गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग का कौन से डीपीपी का डिस्कशन है? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। डीपीपी 3 राइट, सबने सॉल्व किया डीपीपी? ओके गुड। सो क्वेश्चन नंबर 1 to 5, एनी डाउट? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके चलिए, क्या पूछा है क्वेश्चन में? द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पोजेस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। बेटा आपने क्लास 10th में क्या पढ़ा है कि लेफ्ट से राइट जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी मीन्स इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी, राइट? तो ये और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी। ओके, तो तुम्हारे पास यहां पर तुमको देखना है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कि सबसे नीचे में और सबसे लेफ्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है। तो ध्यान से देखिए, जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? आपका हीलियम 2s1 का कॉन्फिग्रेशन, दैट इज इसका मैं बोलूं तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है। फिर आपके पास क्या दिया है? नियॉन 3s2, देखो दिया है नियॉन 3s2, मींस मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन गिवन है, राइट? ओके, देन आपको क्या दिया है? ज़ीनॉन 6s1, ज़ीनॉन 6s1। तो ये एटॉमिक नंबर 55 है, ज़ीनॉन का 54 होता है, राइट? तो तुम्हारे पास 55 जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसका होता है? सीजियम का। एंड देन आपके पास क्या दिया है? ज़ीनॉन 6s2, ज़ीनॉन 6s2। तो ये किसका है? सीजियम के बाद जो बेरियम आता है, तो जो सबसे लेफ्ट और सबसे नीचे में कौन है? सीजियम। तो सीजियम तुम्हारा क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर, किसी ने पूछा था और भी, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 117 एंड 120 आर येट टू बी डिस्कवर्ड, इन विच ग्रुप वुड यू प्लेस दीज एलिमेंट्स व्हेन डिस्कवर्ड। बेटा दिक्कत क्या आया ये तो बताइए आपको, क्या क्या डाउट आया? मैंने बताया था कि एट प्रेजेंट हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, राइट? जिसमें एटॉमिक नंबर 117 अभी भी डिस्कवर नहीं हुआ है। अप टू एटॉमिक नंबर 118 तक तुम्हारे पास एलिमेंट्स हैं जिसमें एटॉमिक नंबर 117 अभी भी तुम्हारा डिस्कवर नहीं हुआ है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो तुमको यहां पे डायरेक्टली एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो क्या करो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। क्या करो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। सिंपल सा है, 117 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? देखिए, तुम्हारे पास मान लेते हैं एटम क्या है? एक्स है। ओके, तो सबसे पहले तो रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रेडॉन का कितना होता है? 86 एटॉमिक नंबर होता है, राइट? और रेडॉन जो है वो तुम्हारे पास कहां पे आता है? कौन से
कब कंप्लीट होता है तुम्हारे पास रेडॉन? देखो रेडॉन के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है? 6p के अंदर। किसमें? 6p के अंदर आपका रेडॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है। 6p में जाता है कि 7p में? वन हंड्रेड सेवनटीन एटॉमिक नंबर का मेरे को सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो ये आई थिंक पिछले डीपीपी में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, 109 का क्वेश्चन आया था। एटॉमिक नंबर 109 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके आपको सॉल्व करना था प्रीवियस वाले डीपीपी के अंदर। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास जो रेडोन होता है, एक बार देख लेते हैं कौन से, हीलियम, नियॉन, देन आर तुम्हारे पास आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडोन। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड, मतलब 6p तक तुम्हारे पास कंप्लीट फिल होगा। ठीक, अगर 6p तक आपके कंप्लीटली फिल होंगे तो एक काम करते हैं, अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा उसको देख लेते हैं। तो 6p का n प्लस l कितना होता है? 7। अब n प्लस l 8 जिसके लिए होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्टिंग करेगा। क्या अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? जिसके लिए n प्लस l तुम्हारा 8 होता है। सबसे पहले अब n प्लस l 8, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखूंगा? रेडॉन, देन आपके पास 5f14, फिर तुम्हारे पास 5f के बाद 8 किसका होता है? 6d का। तो 6d10, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए मैंने? मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए? देखो 86 प्लस 14 इज 100, 86 प्लस 14 इज 100 एंड 100 प्लस 10 इट्स तुम्हारे पास 110। अब मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन्स और फिल करने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स और फिल करने हैं 6d के बाद। अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 7p में, 6 7p 6। अब मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं? एक इलेक्ट्रॉन, तो अब जाएगा 8s। किसमें? 8s1। क्या मैंने सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है? अरे बोलो भाई। क्या मैंने सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है? क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है। एट एस वन सेवन, हाँ कहाँ पे गड़बड़ी हुआ? 7p6, 6d। हाँ बोलो आदित्य। आर्यन हाँ 5f14 6d1 7s2। क्या बोला? फिर से बोलो। आर एन, फाइव एफ फोर्टीन, फिर क्या बोला? 6d1 7s2। 7s2। ये किस एलिमेंट के लिए लिखा है? कितने एटॉमिक नंबर के लिए लिखा है? बेटा वन, रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 86। रेडॉन का एटॉमिक नंबर होता है 86, तो उतने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होंगे ना। 86 प्लस 14 कितने हो जाएंगे? ये तुम्हारे पास देखो 100 हो रहे हैं पूरे के पूरे। काम करते हैं, पूरा स्टार्टिंग से लिख ही लेते हैं। देखो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के ही करना है। देखिए कैसे करना है।
मैं लिखूंगा 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, देन आपके पास 4p6, ये हो गए 36 इलेक्ट्रॉन। अब n प्लस एल 5, तो ये 5s2, n प्लस एल 5 वाले पूरे के पूरे फिल हो चुके हैं। अब n प्लस एल 6 वाले में, तो सबसे पहले n प्लस एल 6 के अंदर किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 4d, तो 4d10। अब 4d के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा किस में, 5p6, राइट, 4d10, 5p6। उसके बाद अब 6s2, अब n प्लस एल 7 वाला, तो तुम्हारे पास 4f14, 4f14, देन अब 5d10, 5d10, अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 6p में, तो 6p6, ओके। तो यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, देखो ये हो गए तुम्हारे पास 54, यहां तक होते हैं 54, 54 प्लस 2 इज 56 एंड 56 प्लस 14 इज 70, 70 प्लस 10 इज 80 एंड 6 86, ये हो गया रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो 6p6 है। अब n प्लस, अब इलेक्ट्रॉन एक 7s में जाएगा सबसे पहले, 7s2, ये गलती हो रही थी कहां, अब 6p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 7s2 के अंदर जाएगा, राइट। अब इलेक्ट्रॉन जाएगा 5, एन प्लस एल 7 वाले सारे फिल हो गए, राइट। अब एन प्लस एल जिनके लिए 8 होता है, तो 5f14, तो 88 प्लस 14 इज 102, देन अब जब जाएगा इलेक्ट्रॉन 6d में, तो प्लस 10, तो तुम्हारे पास 102 प्लस 10 इज तुम्हारे पास 112। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन 6d। अब इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें, 7p में, 5 इलेक्ट्रॉन 7p5। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, 117 के लिए 7p के अंदर, तो यहां पर p सबसेल का इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इक्वल्स टू 7 इज योर वैलेंस सेल, n इक्वल्स टू 7 इज योर वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 प्लस 2 7, तो 10 प्लस 7, तो ये जो एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा, 17th ग्रुप का एलिमेंट होगा, ठीक। फिर 120 एटॉमिक नंबर, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं, तो एक कर देते हैं, तो देखो यहां पर ये लो 6, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब 8s2, तो लो अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन किस, तुम्हारा लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबसेल में गया, तो s ब्लॉक का एलिमेंट है, 120 एटॉमिक नंबर के लिए s ब्लॉक का एलिमेंट, और 2 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस सेल में, मतलब सेकंड ग्रुप का, तो देखो तुम्हारे पास करेक्ट आंसर आ गया A। तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखना पड़ेगा, बस यही था इस क्वेश्चन में, कुछ ज्यादा था नहीं। चलिए आगे, और कोई डाउट किसी को यहां से, क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को डाउट है, क्वेश्चन नंबर 4, शोज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, बेटा आयोडीन सीजियम केवल केवल क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। देखो सीजियम के, सीजियम का क्या होता है टेंडेंसी, कौन से ग्रुप का है सीजियम, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है सीजियम, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये क्या कर सकता है, अपने नियरेस्ट नोबल गैस को ऑब्टेन करने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मतलब केवल सीजियम प्लस वन शो कर सकता है, ठीक। ऐसे ही फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन के अंदर देखो तुम्हारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p5, तो ये केवल एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, ये क्या है आपकी पूरी एंटायर पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये केवल एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, और ये केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। फिर आयोडीन है, आयोडीन भी 17th ग्रुप का है, तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, जैसे देखो इस कंपाउंड में जैसे HI है और तुम्हारे पास HIO3, देखो HI के अंदर आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है -1,
और HIO3 में क्या होता है +5, क्या HIO3 में क्या होता है +5। तो ये आयोडीन जो है तुम्हारे पास दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है प्लस एंड माइनस। और कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? वॉइस इज ब्रेकिंग, सबके साथ ऐसा हो रहा है? देखो नो, क्वेश्चन नंबर फोर क्लियर हुआ? क्या रोहन को नहीं हुआ? बेटा देखो क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। हालांकि अभी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने पढ़ा नहीं है, अभी तक आपने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में टेंशन ना लीजिए। अगर नहीं हुआ तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी बता देता हूं, देखो सीजियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? आपके फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो वो तुम्हारे पास अपने नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करने के लिए क्या कर सकता है? केवल एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। क्या कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, और जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो चार्ज कैसा आएगा? प्लस चार्ज, राइट? तो सीजियम के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? केवल प्लस वन चार्ज, तो वो केवल प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक। फ्लोरीन है, फ्लोरीन तो आप जानते ही हैं, पूरी पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है? क्या? पूरी पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है? फ्लोरीन। तो ये तुम्हारा कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? ये केवल एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो तुम्हारे पास कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? ये माइनस वन। इलेक्ट्रॉन के गेन करने से क्या होगा? माइनस चार्ज आएगा। देन तुम्हारे पास फिर बात करें जीनोन का, बेटा जीनोन तो नोबल गैस है, वो ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना गेन करेगा, तो वो तो किसी तरह का कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, राइट? तो बचा कौन? आयोडीन। आयोडीन तुम्हारे पास गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है, समझे क्या? देखिए अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? लूज। तुम ऐसे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं पता है क्या? HIO3, जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसको मानते हैं X। अब हाइड्रोजन तुम्हारे पास उसका इसका ये सेंट्रल एटम, ये बाकी सराउंडिंग एटम, हालांकि अभी देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हमने सीखा नहीं है, लेकिन बता देता हूं। तो कैसे निकालते हैं? हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन है, वन इन टू हाइड्रोजन क्या शो कर सकता है? प्लस वन, ठीक। प्लस आयोडीन का निकालना है एक्स, प्लस ऑक्सीजन के लिए कितना होता है वैलेंसी? तुम्हारे पास टू होता है, तो वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो माइनस टू। इक्वल्स टू पूरे पे चार्ज है क्या? नहीं, तो जीरो। ऐसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये इधर में लेके जाओ, एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? सिक्स माइनस वन मतलब प्लस फाइव। और जबकि HI में क्या है? HI में आपको आयोडीन का निकालना है, तो आयोडीन का निकालोगे तो एक्स मानोगे तो तुम्हारे पास हाइड्रोजन का प्लस वन, फिर आयोडीन का एक्स, और उसको किसके बराबर करो यहाँ पे? जीरो। तो एक्स का वैल्यू कितना आया? माइनस वन। तो देखो आयोडीन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहा है और माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहा है, ठीक है? इस हिसाब से निकालते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं निकालना आ रहा कोई बात नहीं, अभी के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके? अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स। अच्छा क्वेश्चन नंबर सिक्स के ऊपर जाएं उससे पहले मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर फाइव की। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिफ्थ पीरियड,
देखो कल भी एक बच्चे ने डाउट आया था, बच्चे ने एक बोला था कि सर ट्रिक है क्या इसका कोई। कौन था बच्चा? कि 9th पीरियड में अगर तीन ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल में तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे। DPP 2 में हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि अगर लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर, कि अगर तुम्हारे पास हर एक ऑर्बिटल में अगर तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 9th पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। क्या ये वाला क्वेश्चन किया था सबने? बोलो भाई, क्या ये वाला क्वेश्चन किया था सबने प्रीवियस क्लास में? क्या ये वाला क्वेश्चन आपने? हाँ, तो उसको कितना टाइम लगा था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? क्या उसको सॉल्व करने के लिए टाइम लगा था क्या? अब आपके पास देखो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक बता देता हूं। तुम्हारे पास किसी भी नंबर, देखो लिख लो इसको, अपने नोट्स में लिख लेना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए पीरियड, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए पीरियड कैसे करोगे? N+1/2 का होल स्क्वायर। क्या? N+1/2 का होल स्क्वायर, अगर n तुम्हारे पास क्या हो, इफ n इज इवन। क्या? अगर n आपके पास इवन है तो क्या करोगे? आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, सॉरी n अगर ओड है, सॉरी ओड, अगर n ओड है तो आप क्या करोगे? N+1/2, n इज प्रिंसिपल क्वांटा, तुम्हारे पास n इज पीरियड नंबर, जिस पीरियड के लिए आप निकाल रहे हो, जैसे कि 7th पीरियड के लिए निकाल रहे हो, 9th पीरियड के लिए निकाल रहे हो। जैसे देखो 9th पीरियड के लिए निकाल रहा था लास्ट क्लास में, तो 9th पीरियड के लिए अगर मेरे को नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं तो कैसे करूंगा? 9+1/2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 5। तुम्हारे पास 5 का स्क्वायर मतलब 25 है ना। तो कल भी देखो याद करो तो 25 ही ऑर्बिटल आए थे, 25 ऑर्बिटल्स थे, याद है कुछ? और फिर अगर उसने बोला था एक ऑर्बिटल में तीन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 25 3 जा 75, तुम्हारा आंसर आ गया। ऐसे ही अगर n इवन हुआ तो क्या करोगे? तुम्हारे पास N+2/2 का होल स्क्वायर, इफ एन इज इवन। अगर एन तुम्हारे पास इवन है, जिस पीरियड के लिए निकाल रहे हो वो अगर इवन है तो आप क्या करोगे? N+2/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये समझ में आ गया सबको? ध्यान में रख सकते हो, आसान हो जाए इसके लिए मैंने बताया आपको, वरना जो कंसेप्ट है वो तो आपको पता ही है कैसे सॉल्व करना है, कंसेप्ट से कैसे जाना है, और अगर टाइम सेव करना है तो कैसे जाना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब जैसे कि देखो यहां पर 5th पीरियड में पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो क्या करोगे? 5th पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, भैया 5th पीरियड में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल लेते हैं, 5+1/2 का होल स्क्वायर मतलब 6/2 मतलब 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 ऑर्बिटल्स, और 9 का स्क्वायर, 9 × 2, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स, तो 9 × 2 मतलब 18 एलिमेंट्स। ये तुम्हारे पास 18 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए क्या 5th क्वेश्चन के लिए? अरे बोलो भैया, हो पक्का? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है कई लोगों को कि विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पैरामैग्नेटिज्म। डिक्रीजिंग पैरामैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं।
टू क्यों लिया? अच्छा बेटा, मैंने टू इसलिए लिया क्योंकि हर एक ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाले, और हर ऑर्बिटल में क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना। नॉर्मल जो हमारा रूल है उसके हिसाब से हर ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकता है, टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, पिछले का जो पिछले डीपीपी टू के अंदर जो क्वेश्चन था उसमें बोला था कि मान के चलो कि आपके जो ऑर्बिटल है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं, थ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, तो टू से मल्टीप्लाई क्यों किया, समझ में आया श्रावणी? ओके चलिए, अब देखो तुम्हारे पास कौन कौन से एलिमेंट है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पैरामैग्नेटिज्म पूछा है। सॉल्ट नाइट्रोजन है, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है एंड कैल्शियम है। भैया इन सब में क्या करो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालो। क्या करो, सब में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालो, यही है तुम्हारे पास। ओके देखिए, तो कैसे निकालेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सबके अंदर, बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 1s2, 2s2, 2p3। ये पीरियोडिक का क्वेश्चन नहीं था, ये पुराना क्वेश्चन था। 2p3 मतलब यहां पर ये लो, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, थ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, नियॉन 3s2 3p1। यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p4। तो देखो 2p4, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो देखो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अगर मैं कैल्शियम के लिए बात करूं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इज 20, देन तुम्हारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 4s2। क्या, आर्गन 4s2। तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जीरो। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, नाइट्रोजन में, तो सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म उसी के अंदर देखने को मिलेगा। देन आपके पास किस में है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में, फिर एल्यूमिनियम के अंदर, और फिर आपके कैल्शियम में। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर है। तो ये समका सबको, क्वेश्चन नंबर 6। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने थे। चलिए और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 12 तक? क्वेश्चन नंबर 12 तक कोई और डाउट है? क्वेश्चन नंबर 8 डाउट है, द एलिमेंट्स विद द लोवेस्ट एटॉमिक नंबर दैट हैज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज लोकेटेड इन द। बेटा देखो ध्यान से, पूछा क्या है कि तुम्हारे पास एट लोवेस्ट एटॉमिक नंबर दैट हैज द ग्राउंड, ओके n-1d, तुम्हारे पास क्या 6 दिया हुआ है, n- तुम्हारे पास क्या डी 6 ही दिया हुआ है ना। ओके फिर NH2 इज लोकेटेड इन द। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले n-1d जो है वो लोवेस्ट तुम्हारा कब होगा, डी तुम्हारे पास सबसे लोवेस्ट कब आता है, 3d में, राइट। सबसे जो छोटा डी होता है वो कौन सा होता है, 3d, है ना, होता है कि नहीं। इसने बोला है देखो लोवेस्ट, हाँ। अब तो अगर 3d तुम्हारे पास लोवेस्ट d है, तो n-1 का वैल्यू कितना है, 3। तो n का वैल्यू कितना, 4। n का वैल्यू 4 है, मतलब आपके पास वैलेंस सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता चल गया। और अगर वैलेंस सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता चल गया तो आप क्या बता सकते हो, इसका पीरियड। तो कौन से पीरियड का एलिमेंट है, ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। समझ में आया क्या ये बात, कैसे चेक करना था, सबको क्लियर हुआ? चलिए और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 12 तक? और कोई डाउट, आगे बढ़े?
अरे बोलो, एट्थ रिपीट करूं बेटा। पूछा है लोवेस्ट एटॉमिक नंबर दैट हैज ग्राउंड स्टेट, मतलब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1d, तुम्हारे पास और NH2, ये लोवेस्ट तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर जिसके लिए ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो तुम्हारे पास। देखो डी सबसेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड तो नहीं है, यहां पर देख सकते हैं डी सबसेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, N-1d6। तो ये सबसे लोवेस्ट किसके लिए होता है? आयरन के लिए 26। किसके लिए होता है? आयरन के लिए 26। तो स्टार्टिंग वहीं से होता है, 21 से तुम्हारा डी सबसेल का स्टार्टिंग होता है, तो वहीं पर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना स्टार्ट होगा। तो उनके लिए N-1 जो सबसे लोवेस्ट होता है, सबसे लोवेस्ट जो डी सबसेल होता है वो कौन सा होता है? 3D। तो 3D के अंदर हमको ऐसा देखने को मिलेगा, मतलब N-1 का वैल्यू किसके बराबर है? 3 के बराबर। इसका मतलब N-1 का वैल्यू किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो N का वैल्यू कितना? 4। तो N का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। समझा क्या प्रणव? और N का वैल्यू आ गया तो उससे हम बता सकते हैं कि वो कौन से पीरियड का एलिमेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले 12 तक और कोई डाउट है? नहीं। चलो 14 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 13 का फिफ्थ पार्ट। अरे बेटा पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा हमको। एलिमेंट विथ इनकम्प्लीट एफ सबसेल। अरे एफ सबसेल इनकम्प्लीट किस किस में है? देखो जो एफ सबसेल के अंदर जो तुम्हारा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, बेटा आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा होगा ना। देखो बताता हूं, रुको, एक एक करके आते हैं, एक एक करके आएंगे। देखो सबसे पहले 13 का उन्होंने पूछा है इनकम्प्लीट एफ सबसेल। इनकम्प्लीट एफ सबसेल तुम्हारे पास किसके लिए है? देखो ध्यान से, इनकम्प्लीट एफ सबसेल तुम्हारा यहां पर ध्यान से देखो, एफ सबसेल इनकम्प्लीट कब होगा? मतलब तुम्हारे पास एफ में एक इलेक्ट्रॉन हो, या फिर तुम्हारे पास एक से लेकर के 13 तक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एफ सबसेल क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। एफ सबसेल क्या होगा आपका? इनकम्प्लीट होगा, यही बात बोला है। तो यहां से तो देखो तुम्हारे पास सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होता है। यहां से क्या होता है? सीरियम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होता है, पहला इलेक्ट्रॉन यहीं पर तो एंटर करना स्टार्ट करता है। तो ये तुम्हारे पास तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर डी वाला डाउटफुल है कि भैया डी के अंदर तुम्हारे पास होता है कि नहीं। तो देखो मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताया था, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का N-2 F1 to 14, तुम्हारा N-1, तुम्हारा D01 या 2, फिर NH2। तो इसका क्या होता है? यहां पर 5F14, 6D0, 7S2। तो देखो डी वाले का इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसमें एफ सबसेल कंप्लीटली फील्ड है, और ए के अंदर क्या होता है? F1। इसका होता है 4F1, मतलब एफ सबसेल इनकम्प्लीट है। एफ सबसेल इनकम्प्लीट किस में होगा? तो वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ही चेक करना है आपको, बाकी एलिमेंट्स में नहीं। समझी क्या बिटिया श्रावणी? ओके चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, मानसी का डाउट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल? आउटर मोस्ट सेल मतलब क्या? वैलेंस सेल। तो भैया चेक करिए ना, आउटर मोस्ट सेल मतलब वैलेंस सेल। Mn के अंदर वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? Mn के अंदर वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो।
एक एक करके आते हैं भैया, एक एक रुको करके दो। आते हैं भैया, रुको दो। एमएन है आपके पास, एमएन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 3d5 4s2। वैलेंस सेल क्या है आपके पास? एन इक्वल्स टू 4, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एफई के लिए बात करूं, एफई के अंदर आपके पास वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो फिर से। तो एन तुम्हारा आर्गन 3d6 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन का, सॉरी ये आयरन का होता है कि नहीं? ऐसे ही सबका चेक करते जाओ। एक ग्रुप के अगर एलिमेंट्स हैं, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके चेक करना है। कैसे करोगे? तुम्हारे पास एमएन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 3d5 4s2, क्या? आर्गन 3d5 4s2, ठीक। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 3d6 4s2, यहां पर भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। देन अगर मैं बात करूं तुम्हारे पास, देखो सोडियम, सोडियम जो है, सोडियम जो है तुम्हारे पास, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नियॉन 3s1, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। देन तुम्हारे पास जो स्ट्रॉन्शियम है, तो देखो बेटा मांगे कार स्कूटर, ये स्ट्रॉन्शियम किस में आता है? सेकेंड ग्रुप के अंदर। तो यहां पे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो यहां पे सेम नहीं है, तो ऑप्शन बी तो इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन ए सही है अभी तक। फिर आर्सेनिक और बिस्मथ देख लेते हैं। आर्सेनिक और बिस्मथ कौन से, बोलो आर्सेनिक एंड बिस्मिथ कौन से ग्रुप बनाते हैं? ना देखो, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी बताया था मैंने। तो देखो आर्सेनिक एंड बिस्मिथ बोथ आर फ्रॉम द सेम ग्रुप, और सेम ग्रुप के एलिमेंट्स के अंदर जो वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। मतलब आर्सेनिक और बिस्मिथ के अंदर भी सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, समझे? ऐसे ही ऑप्शन डी जो है वो क्या है? सेलिनियम एंड टेलुरियम। तो सेलिनियम एंड टेलुरियम कौन से ग्रुप में आते हैं? 16th ग्रुप में। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, राइट। तो तुम्हारे पास ध्यान से देखो, यहां पर तुम्हारे पास सेलेनियम एंड टेलुरियम दोनों क्या है? एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? चलिए देन क्वेश्चन नंबर, और कौन सा डाउट है? 15th में ए नहीं आएगा ना? द नेम द एलिमेंट्स विच आर रेडियो एक्टिव एंड हैव बीन नेम्ड आफ्टर द नेम्स ऑफ प्लेनेट्स आर। बेटा मरकरी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगा, एचजी नहीं आएगा। क्यों दिया है क्या आंसर में? एचजी नहीं, आंसर में भी नहीं दिया है, एचजी नहीं आएगा बेटा। एचजी तुम्हारे पास नॉर्मल एलिमेंट है। देखो एटॉमिक नंबर 82 के बाद, ध्यान से सुनना सब लोग, एटॉमिक नंबर 82, उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे कैसे एलिमेंट हैं? आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। एटॉमिक नंबर 82 के बाद, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, हमको कैसे पता चलेगा, है ना? तो ध्यान में रखना कि एटॉमिक नंबर 82 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं सब रेडियो एक्टिव है, और यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स हैं। वो क्या है? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स हैं, वो आपके आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। ओके
तो डीपीपी क्लियर हुआ, इसमें अभी कोई डाउट है? डीपीपी थ्री में और कोई डाउट? रेडॉन भी रेडियो एक्टिव है क्या? रेडॉन तो आपका नोबल गैस है, बिल्कुल बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव गैस है। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं बेटा, अब हम लोग प्रीवियस क्लास में कहां तक पढ़ाई की थी, अब ये बताइए। आज का लेक्चर स्टार्ट करें, लास्ट क्लास में हमने कहां तक पढ़ा था? टेल मी फास्ट। आई थिंक हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर साइज का वेरिएशन के बारे में पढ़ रहे थे, बराबर है क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जनरल लास्ट क्लास के अंदर कि हम जब जनरली लेफ्ट से राइट जाते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स में, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज जो है वो क्या करती है, आपकी डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि यहां पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो आपका साइज डिक्रीज करेगा, ठीक। टॉप से बॉटम जाते हैं तब आपके पास साइज इंक्रीज करता है, राइट क्या? बाकी सबको ऑडियो आ रहा है ना? बेटा आपके थोड़ा हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया हो। तो देखो जब लेफ्ट नीचे में से जाते हैं टॉप से बॉटम, तो टॉप से बॉटम पे नॉट एबल टू सी राइटिंग, हाउ मैनी ऑफ यू आर नॉट एबल टू सी राइटिंग? मैं जो लिख रहा हूं एबल, मी ऑल्सो, मी ऑल्सो मीन्स व्हाट? तुम भी नहीं देख पा रहे हो, तो अब आपने कुछ तो गड़बड़ी करी होगी, आवाज क्लियर नहीं है। सबके साथ ये प्रॉब्लम है, हाउ मेनी ऑफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम? डिस्कनेक्ट हो गया था, ओके तो रिजॉइन करो, सही हो जाएगा प्रॉब्लम, टेंशन ना करिए। चलिए देखिए, गुड, मैनी ऑफ यू हैव डू नॉट एनी प्रॉब्लम, ओके दैट्स गुड। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं साइज डिक्रीज करता है, क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। ऐसे ही जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो आपका साइज जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती हैं, क्या? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, बराबर है। तो तुम्हारे पास यहां पर साइज इंक्रीज करता है नॉर्मल एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। फिर हमने एक एक्सेप्शन वाली चीज देखी थी, कहां पर? 13th ग्रुप के अंदर। 13th ग्रुप मतलब तुम्हारे पास जो बोरॉन फैमिली था, बैंगन आलू गाजर इन थेला, इन थेला। तो तुम्हारे पास यहां पर हमारा जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर था, हम जो उम्मीद करके चल रहे थे वो क्या था कि भैया थैलियम का साइज सबसे बड़ा होना चाहिए, फिर इंडियम का, फिर गैलियम का, फिर एल्यूमिनियम और फिर बोरॉन का, राइट। लेकिन हमको यहां पर गैलियम और जो एल्यूमिनियम है इनका साइज ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है, क्या? ऑलमोस्ट सेम साइज देखने को मिलता है। कई बुक्स में पता है एल्यूमिनियम का साइज थोड़ा सा बड़ा भी दिखाया हुआ है। अब आपके पास यहां पे देखो दो स्टेटमेंट आ जाएंगे, एक तो एल्यूमिनियम का साइज ऐसे ऑलमोस्ट सेम, एक एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा। तो अगर इन दोनों में से ऑप्शन कोई प्रेजेंट, देखो अगर किसी एक क्वेश्चन में ये ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है तो आप इस ऑप्शन को टिक करोगे,
समझे क्या? बाकी दोनों का साइज जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, जैसे कि इसका 143 पिकोमीटर होता है और इसका साइज होता है एटॉमिक रेडियस 135 पिकोमीटर, ऑलमोस्ट सेम साइज है पिकोमीटर्स में। तो तुम्हारे पास ये एनसीईआरटी का डेटा है, 143 एंड 135 पिकोमीटर, ये एनसीईआरटी का डेटा है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम साइज लेकर के चलते हैं इन दोनों का, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। इनऑर्गेनिक के अंदर आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, मतलब अच्छे से अगर आपने पढ़ ली बहुत कुछ उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब देखिए, तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। देन हम लोगों ने देखा था कि बेटा जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जाते हैं तो लेफ्ट से राइट जाने के ऊपर जो साइज है वो पहले क्या करती है, साइज जो है लेफ्ट से राइट जाते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स में, तो साइज क्या करती है, पहले डिक्रीज करती है फिर आपके इंक्रीज करती है। ऐसा क्यों, ऐसा ऐसा क्यों होता होगा, कोई बताएगा? कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज आपका डिक्रीज क्यों करता है? कौन बताएगा? लेफ्ट से राइट जाने पर ट्रांजिशन के एलिमेंट्स में जो तो साइज है वो आपका क्या करता है, डिक्रीज करता है, ऐसा क्यों? पहले डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है, ऐसा हमको वेरिएशन, अजीब सा वेरिएशन क्यों देखने को मिलता है? थोड़ा सोचो, थॉट प्रोसेस लगाओ, कोई बताना चाहेगा? शायद उनके लास्ट सेकेंड पेनल्टीमेट सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है इसलिए। थोड़ा सही डायरेक्शन में गया, थोड़ा थोड़ा सही डायरेक्शन में गया, गुड। फिर से सोचो थोड़ा, देखो मैं बताता हूं। देखो जैसे शुरुआत में हम बात करते हैं तो क्या होता है, एक तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक तो देखो आपके 2 से 3 डाउट दिमाग में आने चाहिए। सबसे पहला डाउट तो क्या कि जो तुम्हारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी साइज में आपने देखा होगा ज्यादा वेरिएशन नहीं है, बराबर है? इनकी साइज में ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो देखो पहला रीजन उसका ऐसा साइज में ज्यादा वेरिएशन नहीं आने का वो क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन फील होता है इनके अंदर वो किस में होता है, पेनल्टीमेट सेल में। इलेक्ट्रॉन किसके अंदर फील होता है, पेनल्टीमेट सेल के अंदर, बराबर है कि नहीं? N-1 सेल के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन फील होता है, इसलिए इनके अंदर जो साइज है उनमें ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। ओके देन चलो ये बात हुई, फिर पहला डाउट तो क्लियर हुआ कि नहीं, ज्यादा साइज वेरिएशन देखने को क्यों नहीं मिलता। ओके देन अब दूसरा डाउट क्या आता है, ओके कि साइज पहले डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है, ऐसा क्यों? देखो शुरुआत के अंदर तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी में वो कहां से कहां तक भरते हैं, D1 फिर D2 फिर D3 फिर D4 फिर D5, बराबर है कि नहीं? ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। तो स्टार्टिंग के फेज में क्या होता है, यहां तक आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है डी के हर एक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फील हो रहे हैं, मतलब जो तुम्हारे पास हुंस रूल है उसके हिसाब से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फील हो रहे हैं, बराबर है कि नहीं? अभी तक पेयरिंग नहीं हो रहा था डी ऑर्बिटल्स में, अब D6 जैसे ही आएगा तो क्या होगा, डी सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग होगा, होगा कि नहीं बोलो? हाँ ओके, योर नो प्रॉब्लम विवेक। तो क्या हुआ कि तुम्हारे पास
जो शुरुआत के डी है पांच, जब डी फाइव तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा हमने, तब तक क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स होम्स रूल के हिसाब से हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल में जा रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन के अंदर ज्यादा रिपल्सन देखने को नहीं मिलेगा, मतलब स्टार्टिंग के अंदर क्या हो रहा है, आपका जो जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट में जेड इफेक्टिव आपका डोमिनेट कर रहा है। क्या स्टार्टिंग डी फाइव तक क्या करता है, आपका जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है। फिर क्या हुआ, जेड इफेक्टिव मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करता है। फिर जब इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग होना स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो अब पहले अट्रैक्शन हो रहा था, अब रिपल्सन होगा, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब दोनों बराबर होंगे, ऑलमोस्ट एक दूसरे को मैच करेंगे। तो उसकी वजह से देखो आगे के अंदर तुम्हारे पास जो तीन एलिमेंट्स थे, एफी कोबाल्ट निकिल, इनकी जो साइज थी वो भी क्या थी, ऑलमोस्ट सेम थी। इनकी साइज भी क्या थी, ऑलमोस्ट फिर सेम देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि शुरुआत में जेड इफेक्टिव इन डोमिनेट कर रहा था, बाद में स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है, स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट जो है वो डोमिनेट कर रहा है, समझ रहे हो। पहले क्या था, आपका जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा, बाद में स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट डोमिनेट कर रहा है। तो एक टाइम पर आएगा दोनों बीच में कहीं आपस में एक दूसरे के इक्वल में आएंगे, जो वहां पर साइज हमको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रही है। देखो वही है, आयरन कोबाल्ट और निकिल के अंदर साइज हमको क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती है, फिर बाद में साइज इंक्रीज करती है, समझे क्या। तो सबसे पहले तो आई होप ये समझ में आया होगा कि डी जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, जो डी ब्लॉक की ट्रांजिशन सीरीज है, उनमें साइज का वेरिएशन कैसे हो रहा है। आई होप ये सबको चमका होगा। बोलो चमका कि नहीं। ओके, तो एक काम करते हैं, फिर लिखना शुरू करते हैं। ओके ओके ओके, चलिए इसको इरेज करके फिर स्टार्ट करते हैं लिखना, वरना तो लिखो। सबसे पहले क्या कि तुम्हारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स में तुम्हारे पास क्या, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, यहां तक में इनमें क्या होता है, आपका जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है किसके ऊपर, स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर। फिर तुम्हारा आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, यहां पर क्या होता है, यहां पर इन तीनों के केस में जेड इफेक्टिव और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट क्या, अब न्यूमेरिकल वैल्यू पे मत जाना, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू तो थोड़ा डिफरेंट आएगी। देन आपके पास फिर जो लास्ट जो पोर्शन है, कॉपर एंड जिंक वाला, यहां पे क्या करता है, यहां पर आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करेगा, मतलब रिपल्सन डोमिनेट करेगा। रिपल्सन डोमिनेट करेगा तो साइज क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक। तो ये तुम्हारे पास वेरिएशन देखने को मिलता है। तो अगर मैं इनके कोवलेंट रेडियस की, अगर चलो ऑर्डर ऑफ कोवलेंट रेडियस लिखवा देता हूं, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर कोवलेंट रेडियस का ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा कोवलेंट रेडियस किसकी होती है, स्कैंडियम की, फिर आपके पास होती है टाइटेनियम की, देन वेनेडियम की, देन क्रोमियम, देन तुम्हारे पास मैंगनीज, देन आपके पास आयरन, कोबाल्ट एंड निकिल, इन तीनों की ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती है, और फिर कॉपर एंड जिंक की इन दोनों से भी ज्यादा होती है, इन तीनों से ज्यादा होती है। अब कुछ बच्चे हो सकता है बोलेंगे, सर आपने पिछली क्लास में कुछ डेटा लिखवाया था, वो डेटा तो कुछ और ही बोलता है, वहां पे जो रेडियस थी वो कैसी रेडियस थी, वो मेटलिक रेडियस थी। वो कैसा रेडियस था, मेटलिक रेडियस। ये कैसा रेडियस लिखवाया मैंने, कोवलेंट रेडियस। तो अलग अलग बुक्स में ध्यान से सुनना, इनके रेडियस के लिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा दिया हुआ है,
रीजन क्या है, किसी बुक्स में मेटेलिक रेडियस का डेटा दिया हुआ है, किसी बुक में कोवेलेंट रेडियस का डेटा दिया है, किसी बुक में एटॉमिक रेडियस का डेटा दिया है। तो वो डेटा देख करके कंफ्यूजन मत हो जाना, ऑर्डर बस ये ध्यान में रखना। डेटा तो मैंने आपको बोला भी था कि आपको याद नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया, कब आपके पास एक ग्रुप के अंदर, एक ग्रुप में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पहले साइज डिक्रीज करता है, फिर ऑलमोस्ट सेम रहता है, फिर इंक्रीज करता है। ओके, अब हम ग्रुप के अंदर बात करें, तो देखो नोट कर लिया सबने, नोटेड नोटेड। सर पर उनका मीनिंग तो सेम ही आएगा ना? नहीं बेटा, वैल्यूज अलग अलग, हाँ मीनिंग तो सेम ही है। सबसे अगर एक मीनिंग निकालोगे, कॉमन रिजल्ट तो सेम ही है, लास्ट में रिजल्ट तो यही है, लेकिन वैल्यूज अलग अलग आ रही है। ओके, नाउ इन ए ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर क्या होगा, देखिए तुम्हारे पास जब हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की तरफ जाएंगे तो क्या होता है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की तरफ जाते हैं, फिर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की तरफ जाएंगे, तो हमको साइज में क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा। से सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, बताइए। तो देखो ध्यान से, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑन मूविंग फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज टू सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, टीएस मीन्स ट्रांजिशन सीरीज। ओके, देयर इज इंक्रीज इन, देयर इज इंक्रीज इन, देयर इज इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की तरफ जाएंगे, मतलब डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो साइज में क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। लेकिन जब सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जाते हैं, तो हमको साइज में वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, उनकी जो साइज है वो हमको ऑलमोस्ट सेम साइज देखने को मिलती है। क्या हमको ऑलमोस्ट सेम साइज देखने को मिलती है, बट वाइल मूविंग फ्रॉम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, देयर इज नो सच इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, इन एटॉमिक साइज, इनफैक्ट दे हैव मतलब सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स, इनफैक्ट दे हैव ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक
साइज, इनफैक्ट दे हैव ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक साइज। बेटा हल्ला नहीं करो वरना मैं परमिशन ना दूंगा तुम लोगों को। इनफैक्ट दे हैव सेम एटॉमिक साइज, इसका रीजन क्या होता है? ड्यू टू दिस इज ड्यू टू लेंथेनॉइड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये आपने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया। बिल्कुल, इसका रीजन क्या है? सेम साइज ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सेप्ट 3B, जो 3B ग्रुप है उसको छोड़ करके बाकी में तुम्हारे पास हमको बिल्कुल से वैसा ही ऑर्डर देखने को मिलता है। ओके चलिए जल्दी से इसको पहले नोट करो फिर हम समझें इसको अच्छे से। भैया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर हम बात करें तो देखो जैसे कि आपके पास कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, यही होते हैं। ओके अगली ट्रांजिशन सीरीज में कौन से एलिमेंट होते हैं? यारी, जिरकोनियम, निभा, मौत, तक, रुकावट, राह, पड़े, आगे, कूद। अगला कौन सा था? ला, हफ, ता, वरना, रे, इधर, वरना रे, उधर, इधर, पिटाई और होगी। क्या यही हमारे पास तीन ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं? बोलो लास्ट स्लाइड जल्दी लिखो बेटा जल्दी लिखो मुन्ना। सर हाँ जो रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं ना उसमें स्लाइड कुछ कुछ ब्लैंक है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब हम जब रिकॉर्डिंग देखते हैं ना आज के लेक्चर का, मतलब अगर कुछ पॉइंट रह गए इंटरनेट की वजह से तो उसमें स्लाइड नहीं दिख रहा इसलिए समझने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो क्या आप प्लीज ये रिकॉर्डिंग्स एडोफॉक्स ऐप पे डाल देंगे? ओके मैं कोशिश करता हूँ। ये फिर उसके लिए मेरे को साथ में इसका भी रिकॉर्डिंग करना था क्योंकि अभी क्या है अभी जब वीडियो चल रहा है तो ये अपने आप ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता है। हाँ अभी इसको आपने जो पहले दो लेक्चर का, मतलब दो लेक्चर हो गए ना आपने और आज ये तीसरा, तो पहले दो लेक्चर का आपने रिकॉर्डिंग किया है तो वो प्लीज एडोफॉक्स ऐप पे अपलोड कर दो ना। ठीक है फिर मैं करता हूँ। यस और बताइए कोई किसी का कोई फरमाइश, किसी को कोई कष्ट हो रहा हो तो बता दीजिए, किसी को कोई कष्ट है तो भी बता दीजिए। है क्या किसी को कष्ट? यही था। अच्छा कुछ लोगों को ये दिक्कत आ रही होगी सर हमको स्लाइड दिखाई नहीं देती है ना, ऐसा भी होता है क्या? तो जब वीडियो प्ले करते हो ना तो वहां पे बीच में एक नीचे वाला छोटा सा वो आता है उसके ऊपर क्लिक करो तो आपको सीधा स्लाइड में सीधे जाते हो। चलो सॉल्यूशन निकाला जाएगा इसका, हम बात करते हैं। चलिए देखिए बिल्कुल से कि जब नीचे में हम जब वीडियो जब प्ले होता है ना तो बिल्कुल से जो लाइन होती है जहां पे टाइमिंग दिखाता है ड्यूरेशन उसके बिल्कुल बगल में एक रहता है। तो मैंने कल चेक किया तो मैं ऐसे ही उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो मैंने देखा तब मेरा स्लाइड आया वरना मेरे को भी दिखाई दे रहा था कि फेस ही आ रहा है राइट कुछ भी नहीं आ रहा था। ऐसा होता है क्या आप लोग के साथ भी?
नहीं सर देखो, तो हम क्या कर रहे बात कर रहे थे कि जब हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जाते हैं तो तुम्हारे पास एटॉमिक साइज में इंक्रीज देखने को मिलता है, लेकिन जब सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जाते हैं तो तुम्हारे पास एटॉमिक साइज में हमको कोई ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, जैसे देखो एक्सेप्ट थर्ड बी ग्रुप, कौन सा? एक्सेप्ट थर्ड बी ग्रुप। तो देखो ये कौन सा है, ये आपके पास थर्ड बी है, ये आपका थर्ड ग्रुप है, ये आपका थर्ड बी, देन ये आपका फोर्थ बी, फिफ्थ बी। तो ठीक है, तो इसको मैं अगर फोर्थ ग्रुप बोलूं, ये फिफ्थ ग्रुप है, ये सिक्स्थ ग्रुप, ये सेवन्थ, देन आपके पास ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये टेंथ, ये इलेवेंथ और ये ट्वेल्थ ग्रुप। तो क्या बोल रहा है कि तुम्हारे पास यहां से यहां जाएंगे स्कैंडियम से इट्रियम में तो साइज में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, इट्रियम से लेंथेनम में जाएंगे तो भी साइज में इंक्रीज देखने को मिलेगा, बराबर है? क्योंकि थर्ड वीक के ग्रुप के अंदर एक्सेप्शन नहीं है, ठीक? लेकिन जब टाइटेनियम से जिर्कोनियम में जाएंगे तो आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्या इंक्रीज देखने को मिलेगा, लेकिन जिर्कोनियम और जो हाफनियम है उसका साइज ऑलमोस्ट सेम, मतलब सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट का यहां से खेल शुरू होता है, क्या यहां से तुम्हारा खेल शुरू होता है जिरकोनियम और हाफनियम से, फिर निबोनियम, टेंटेनम, हाँ ग्रुप 12 नहीं आता, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन, फिर टेक्नीशियम एंड तुम्हारे पास रेनुनियम, तो इसका क्या आरी तुम्हारा, फिर आरियो रुथेनियम एंड ऑस्मियम, देन तुम्हारा आरएचइज, तुम्हारा रोहनडियम एंड इरिडियम, इनके अंदर क्या हमको ऑलमोस्ट सेम साइज देखने को मिलती है, क्या रीजन है इसका? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ओ, सर ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? क्या अब ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है? तो सबसे पहले तो ये बताओ साइज का जो वेरिएशन है वो समझ में आया कि नहीं, क्या साइज में जो वेरिएशन है वो समझ में आया कि नहीं? अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है उसके ऊपर अभी हम बात करते हैं, बोलो। तो देखो साइज के वेरिएशन में आपको कहां कहां ध्यान रखना, कहां ध्यान रखना है? 30 एक्सेप्शन कहां कहां पे आ रहे हैं, कहां कहां पे एक्सेप्शन आए? आपके एक्सेप्शन आए 13 ग्रुप के अंदर एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर, और तुम्हारा ट्रांजिशन सीरीज के अंदर थोड़े एक्सेप्शन आ रहे हैं, कहां पर? वो भी कहां पे एक्सेप्शन? आपके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कुछ एलिमेंट्स का साइज बराबर है, वहां पे सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का साइज ऑलमोस्ट सेम है, बाकी हमारा नॉर्मल जो ट्रेंड है वही चलते रहेगा। ठीक है, तो देखो अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है, प्लीज स्टार्ट रिकॉर्डिंग। बेटा रिकॉर्डिंग ऑलरेडी बैक ऑफ द एंड चल रहा है, इसमें ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग चलता है, खत्म होते ही रिकॉर्डिंग होकर के अपने आप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करें कि तुम्हारे पास लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। नहीं, बेटा कैडमियम और मरकरी के अंदर हमको ऑलमोस्ट साइन फेज जो, देखो मैंने लिखा है ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज लिखा ना, जिंक कैडमियम मरकरी ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स में नहीं आते हैं, जिंक कैडमियम मरकरी ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स में नहीं आते, बताया है कि नहीं? अरे बोलो भैया, बाकी देखो तब तक ट्रांजिशन सीरीज के नहीं, लेकिन इनमें भी तुम बोलना चाहो तो बोल सकते हैं, ऐसा कुछ हो नहीं है कि इनमें भी जैसे ऑलमोस्ट सेम साइज, ज्यादा अंतर नहीं है इनकी साइज में भी, इनकी साइज में भी कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 2-3.03 एंगस्ट्रॉम के लगभग का डिफरेंस है, तो सेम अगर बोलना है तो ऑलमोस्ट सेम बोलने को बोल सकते हैं, उसमें ऐसा कोई वो दिक्कत नहीं है। ठीक, बीच बीच में प्रॉब्लम आता है,
अभी आ रहा है। अभी प्रॉब्लम आ रहा है क्या बेटा? बोलो, वॉइस नहीं आ रहा। सर्वेश अभी आ रहा है? फिर से रीस्टार्ट करो। देखो अब हम बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनो। कैडमियम और मरकरी के अंदर भी हमको साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो ऑलमोस्ट लेने को सेम ले सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, देखो ध्यान से। ठीक, कोई बात नहीं, कभी कभी अटकता है, तो जब अटकता है तो बता दिया करो, मैं रिपीट कर दूंगा। तो क्या है कि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का जो साइज है, एक्सेप्ट फर्स्ट ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप जो ये है इट्रियम और लेंथेनम को छोड़ करके, बाकी सब में तुमको ऑलमोस्ट सेम साइज, बाकी सब के अंदर ऑलमोस्ट सेम साइज देखने को मिलता है। कैडमियम मरकरी भी आप उसमें ले सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इनके अंदर भी कोई ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और इसका रीजन क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है ये बताते हैं। ये बताओ लेंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 57। और हाफनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 72। बराबर है कि नहीं? तो देखो ध्यान से, जब हाफनियम का एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट होता है, उससे पहले इलेक्ट्रॉन किसके अंदर एंटर करता है? आपका 4F के अंदर। क्या हाफनियम से पहले इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर कर चुका होता है? 4F सबसेल के अंदर। उससे पहले लेंथेनॉइड जो सीरीज है, क्या उससे पहले लेंथेनॉइड सीरीज नीचे में फिल हो जाती है? सबको याद है कि नहीं? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट है हाफनियम से लेकर के मरकरी तक, 72 से लेकर के तुम्हारे पास 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80 तक, 72 से 80 तक तुम्हारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं, इनसे पहले जो लेंथेनाइड सीरीज है वो कंप्लीट होती है। ये सबको पता है कि नहीं? बोलो। हाँ, मतलब उनके अंदर कौन सी सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करता है? उनके अंदर कौन सी सबसेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है? कौन सी सबसेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है उनके अंदर? एफ सबसेल। बिल्कुल सही है, एफ सबसेल के अंदर। और डी एंड, ध्यान से सुनना, अब जो पार्ट है वो ध्यान से सुनना, जो डी, और इससे पहले, क्योंकि एफ में इलेक्ट्रॉन एंटर कर चुका है, तो एफ जो सबसेल होता है उसका, और जो एफ सबसेल होता है उसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट, एफ एंड डी सबसेल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है? वेरी वीक। एफ और जो डी सबसेल हैं उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? बहुत वीक होता है। होता है कि नहीं? एफ और जो डी सबसेल हैं उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? बहुत कम होता है। अगर इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है तो जेड इफेक्टिव क्या मिलेगा? सोचो, जेड माइनस, जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा, राइट? क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा। एफ सबसेल, एफ एंड डी सबसेल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है? बहुत पुअर होता है ना? वो बहुत पुअरली शील्ड करते हैं। अगर उनका सिग्मा का वैल्यू बहुत कम है, शील्डिंग इफेक्ट का वैल्यू बहुत कम है, तो उनके लिए जो जेड इफेक्टिव है वो ज्यादा होगा। होगा कि नहीं? जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। जेड इफेक्टिव ज्यादा है मतलब जो न्यूक्लियस है उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर कंट्रोल अच्छा खासा होगा। होगा कि नहीं? क्या होगा? कंट्रोल अच्छा खासा होगा। अगर अच्छा खासा कंट्रोल है तो तुम्हारे पास साइज कम होगी कि बढ़ेगी? साइज कम होगी। बराबर है? यही रीजन है
कि जब सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जाते हैं तो जो साइज इंक्रीज करना चाहिए था वो साइज इंक्रीज नहीं करता, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर किया इससे पहले, इनसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया, एफ सबसेल में, जिनका शील्डिंग क्या होता है, पुअर होता है, जिसकी वजह से तुम्हारे पास जेड इफेक्टिव क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर गया, साइज क्या हो गया, कम हो गया, साइज क्या हो गया, कम हो गया, और साइज कम हो गया तो इसकी वजह से इन दोनों की साइज ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती है। समझा गया? और ये जो तुम्हारे पास इफेक्ट होता है, ये जो इफेक्ट होता है इसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये जो इफेक्ट है इसी को बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बोलो, समझा सबको? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, इनका साइज ऑलमोस्ट सेम क्यों देखने को मिला? रिपीट करो। यस यस यस, मतलब क्या, रिपीट करना है क्या? देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो ध्यान से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिनको नहीं चमका वो लोग फिर से सुनो। मैंने क्या बोला कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स में तुम्हारे, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करने से पहले आपकी कौन सी सबसेल कंप्लीटली फिल होती है? फोर एफ सबसेल। कौन सी सबसेल कंप्लीटली फिल होती है? फोर एफ सबसेल, राइट है कि नहीं? कौन सी सबसेल कंप्लीटली फिल होती है? फोर एफ सबसेल। और जो एफ है उसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 14। और इनके अंदर एफ सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी शील्डिंग क्या होती है, वीक होती है। शील्डिंग क्या होती है, वीक होती है, पुअर शील्डिंग होती है। पुअर शील्डिंग होने की वजह से मतलब जो जेड माइनस जो सिग्मा होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, तो जो सिग्मा का वैल्यू है वो क्या है, शील्डिंग कम है इसका मतलब सिग्मा का वैल्यू कम है। सिग्मा का वैल्यू कम है इसका मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा है, क्योंकि नीचे की यहां पर एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज किया लेकिन सिग्मा का वैल्यू डिक्रीज कर गया, बराबर है कि नहीं? तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज किया, तो हमको जितना साइज में इंक्रीज देखने को मिलना चाहिए था वो नहीं देखने को मिलेगा। किसकी वजह से? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ फोर एफ इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है? और इसकी वजह से उनका जो साइज है उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, साइज में कमी देखने को मिलती है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है ना? और ये जो इफेक्ट होता है, और ये जो तुम्हारे पास इफेक्ट हुआ ये किसकी वजह से हुआ, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो जो पूरा इफेक्ट होता है इस पुअर शील्डिंग की वजह से साइज का कम होना, इसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आई होप नाउ सबको समझ में आया होगा। तो अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में लिखें। लिखें क्या लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में? ओके, चलिए लिखते हैं। लिखो लेंथेनाइड, हेडिंग डालो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, आप बताइए। देखिए, देखो इन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, इन थर्ड या फिर बिफोर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, बिफोर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स
सीरीज एलिमेंट्स द लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 4F सब सेल, वो किस में एंटर करता है? बिफोर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, क्या लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है? 4F सब सेल। ठीक, ड्यू टू, सर फिर से एक बार रीड कीजिए ना, क्या लिखा है? बिफोर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स द लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इंटू 4F सबसेल, ओके, ड्यू टू विच, या फिर मैं लिखू एंड द शील्डिंग ऑफ एंड द शील्डिंग एंड द शील्डिंग ऑफ F या फिर इसको ऐसे नहीं, और स्टेटमेंट इसको ऐसे लिखते हैं, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स एंड, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, देखिए, एंड ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एंड ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन्स देयर इज ए इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देयर इज इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जेड इफेक्टिव में इंक्रीज देखने को मिलता है, बराबर है कि नहीं? देयर इज ए इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू विच there is a contraction in size and this effect is known as lanthanide, and this effect is known as lanthanide contraction. और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. ओके, सो आई होप लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है सबको क्लियर हुआ होगा. बोलो जल्दी से, नोट करिए. अब इसके ऊपर एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग. सब लोग नोट करो फटाफट. अगले जो टेस्ट आने वाला है उस टेस्ट के अंदर आपका यहाँ तक का पूरा सिलेबस रहेगा. सॉरी, यहाँ तक का नहीं, मतलब अगले वीक में भी,
एटॉमिक रेडियस तो मिनिमम मान के चल लो कि यहां तक तो आपका पूरा सिलेबस रहना ही है, आपका यहां तक तो पूरा सिलेबस रहेगा ही रहेगा। जल्दी से नोट डाउन करिए। ओके नोटेड। चलिए कुछ क्वेश्चंस करें। जैसे देखिए अब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की। जैसे देखिए सबसे पहले अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस के ऑर्डर में आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको दूं क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपको दिया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन एंड लिथियम, देन आपके पास देखिए सेकंड, देन आपके पास मैंने आपको दे दिया नाइट्रोजन, नियोन, सॉरी यहां ऊपर वाले में ही नियोन भी लिख लो तो सेकंड वाला एग्जांपल ऐसे ही हट जाएगा। जैसे फिर आपको मैं एक और क्वेश्चन दे दूं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे देखो आपके पास ऑक्सीजन है, सल्फर है, फास्फोरस है और नाइट्रोजन है, इन चारों को इनके साइज के ऑर्डर में अरेंज करना है। चलिए इसको जल्दी से करिए, मैं फटाफट एक बार चार्ज लगा देता हूं। क्वेश्चंस किए, चलिए और क्वेश्चन नोट करते हैं। लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, श्रावणी पाटिल गलत है। गलत है श्रावणी, अच्छा पाटिल तुम तो क्या है आगे तुम्हारे, आपका पूरा नाम दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। अच्छा हाँ तो श्रावणी भी, दो भी हो, दो श्रावणी है यहाँ इस क्लास में। ओह माय गॉड, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। चलिए देखिए बाकी लोगों का आंसर क्या आएगा, सब लोग सोल्व करिए। भैया आप लोग क्या कर रहे हो कि एक चीज को मिस कर रहे हो, क्या वो आप खुद सोचिए। मैंने क्या बताया है आपको कि जो नोबल गैसेज होती हैं सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। चलिए देखिए ध्यान से देखना, ये बताओ नाइट्रोजन कौन से पीरियड का, सबसे पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन सब कौन से पीरियड के एलिमेंट है, सब आपके साथ आपके पास कौन से पीरियड के एलिमेंट है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। ओके फिर अब सेकंड एक ही सेम पीरियड के एलिमेंट है, देख ध्यान से सुनना, सेम पीरियड के एलिमेंट है मतलब लेफ्ट से राइट जाते हैं साइज डिक्रीज करती है, क्या लेफ्ट से राइट जाएंगे साइज डिक्रीज करना चाहिए। सबसे लेफ्ट में कौन है यहां पर, लिथियम, फिर आपका नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर है नियोन, राइट। बोलो आपके हिसाब से साइज का ऑर्डर ये आना चाहिए,
लेकिन याद करो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया कि जो नियॉन है, जो नोबल गैसेज होती हैं, उनके अंदर हम कौन सी रेडियस की बात करते हैं? वंडरवॉल रेडियस की बात करते हैं। इनमें हम किसकी बात करते हैं? वंडरवॉल रेडियस की। और वो रेडियस हमेशा कोवेलेंट रेडियस और उनसे ज्यादा होती है। तो तुम्हारे पास सबसे ज्यादा जो साइज देखने को मिलेगी वो किसकी? नोबल गैसेज की, नियॉन। देन क्योंकि नोबल गैसेज में हम कौन सी रेडियस की बात करते हैं? वंडर वॉल्स रेडियस की बात करते हैं, और वंडर वॉल्स रेडियस सबसे बड़ी होती है। समझे सालों के? लिथियम, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, और देन आपका फ्लोरीन। समझा क्या? हाँ बिल्कुल, ये ऑर्डर समझा सबको? जल्दी से नोट करो इसको। सेकेंड क्वेश्चन करिए, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन मैंने दिया है आपको ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस और नाइट्रोजन, इनको इनकी साइज के ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो तो बताइए सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? अरे बाकी लोग भी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, नेहा ये इंक्रीजिंग है। अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना। ओके देखो सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट है आपका? ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन, ये फास्फोरस, ये सल्फर। ये दोनों नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन किस पीरियड के एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड। फॉस्फोरस एंड सल्फर आपके थर्ड पीरियड। हमें दो डिफरेंट पीरियड के एलिमेंट देकर उनके एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर पूछा। बिल्कुल, आपको अभी तो पूछा है मैंने, देखो सामने सेकेंड एग्जाम्पल वही है, सेकेंड एग्जाम्पल वही है। देखो तो ऐसा में क्या है, कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर दिमाग लगाना। देखो भैया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये तो सेकेंड पीरियड के हैं, सेकेंड पीरियड के हैं है ना। फास्फोरस और सल्फर क्या है? आपके थर्ड पीरियड के हैं। कैसे सोल्व करें? तो ये हम जानते हैं कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का साइज सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के साइज से ज्यादा होगा। मतलब फास्फोरस और सल्फर का साइज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? फटाफट जल्दी रिप्लाई करो जल्दी। नहीं ना, ठीक है। फिर अब ये तुम्हारे सेम पीरियड के एलिमेंट है। अब क्या है आपके ये दो, पहले हमने पीरियड चेक कर लिया, देखा कि थर्ड पीरियड वालों का साइज बड़ा है सेकंड से, ठीक है। फिर अब थर्ड पीरियड में, अब देखो थर्ड पीरियड के अंदर भी हम जानते हैं लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करती है। फॉस्फोरस क्या है आपका? ये आपका 15th ग्रुप के हैं और ये आपके 16th ग्रुप के हैं। तो 15th ग्रुप का साइज ज्यादा होगा कि 16th ग्रुप का? 15th ग्रुप का साइज ज्यादा होगा कि 16th ग्रुप का? 15th ग्रुप के एलिमेंट्स का, राइट? तो मतलब फास्फोरस और सल्फर में किसका साइज बड़ा? फास्फोरस का, फिर सल्फर का, ठीक। ये दो का साइज ऑर्डर हो गया। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में? नाइट्रोजन का फिर ऑक्सीजन। तो देखो नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन। समझा क्या ऑर्डर कैसे डिसाइड करना है? अगर एक पीरियड के दिए हैं तब तो ऑर्डर निकालना बहुत ही आसान है। दिक्कत कहाँ होगी? जब आपके पास एक से ज्यादा डिफरेंट पीरियड्स के आ जाएं, डिफरेंट पीरियड्स, डिफरेंट ग्रुप्स सब मिक्स कर देगा तब तुम्हारे पास दिक्कत आएगी, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल करें। देखिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं। के प्लस, चलो मैं जैसे मान लो तुमको क्या दूं, क्वेश्चन लिखो। चलो क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच हैज या फिर विच हैज लोवेस्ट एनायन टू केटायन
साइज रेशियो, विच ऑफ द फॉलोइंग विच हैज लोवेस्ट एनायन टू कैटायन साइज रेशियो। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने आपको चार ऑप्शन दे दिए, आपको दिया मैंने एल आई एफ, बी ऑप्शन मैंने दिया आपको एन ए एफ, सी ऑप्शन मैंने आपको दिया सी एस आई, और डी ऑप्शन मैंने आपको दे दिया सीजियम फ्लोराइड सी एस एफ। ओके चलिए इस क्वेश्चन को करिए। लोवेस्ट अनायन टू कैटायन साइज रेशियो, करो टेक योर टाइम। किसी को शंका कि कैसे सॉल्व करना है, किसी को ये चीज समझ में आई कि क्या कैसे सॉल्व करना है, ये थोड़ा स्ट्राइक किया। अरे बोलो भैया, अरे नहीं समका तो बोल दो, शर्माना क्या है, ससुराल में थोड़ी हो। नहीं नहीं सर, मतलब क्या नहीं चमका, कुछ भी कैसे करना है ये नहीं चमका, किसी को नहीं चमका। अरे क्या बात कर रहा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इज सी इज आंसर? ना ना, सी आंसर नहीं है। नेहा ढोक सर्विस बोल रहा है, ए नहीं, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, सी भी नहीं है। नेहा यू आर करेक्ट, आंसर इज डी सी एस एफ। तुक्का लगाया क्या? हाँ बेटा, गेस किया है कि सोल्व किया है? देखो कैसे करना है भैया, देखो सबके अंदर पूछा क्या है, लोएस्ट एनायन टू कैटायन रेशियो, मतलब एनायन अपॉन कैटायन का रेशियो सबसे मिनिमम इनमें से किसके अंदर होगा। भैया ये रेशियो मिनिमम कब होगा, जब तुम्हारे पास ऊपर वाली चीज सबसे छोटी हो और नीचे का वैल्यू डिफरेंस ज्यादा है, तो मुझे लगा हो सकता है। गुड, आपको लगा मतलब वैसी हुआ एक तरह से, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये जो रेशियो है वो मिनिमम कब होगा, जब एनायन का साइज छोटा हो और कैटायन का साइज क्या हो, बहुत बड़ा, तब तुम्हारे पास क्या होगा, ये रेशियो मिनिमम होगा, बराबर। अब एक काम करते हैं, सबके अंदर चेक करते हैं, देखो ध्यान से, एल आई एफ के अंदर कैटायन कौन है, एल आई प्लस, और एनायन कौन है, एफ माइनस। फिर एन ए एफ के अंदर कैटायन कौन है, एन ए प्लस, और एनायन कौन है, एफ माइनस। सी एस आई के अंदर कैटायन कौन है, सीजियम प्लस, और एनायन कौन है, आई माइनस। सी एस एफ के अंदर कैटायन कौन है, सीजियम प्लस, और एनायन कौन है, एफ माइनस। क्या ये चीज सबको चमका, कैटायन और एनायन?
कैटायन को हमेशा पहले लिखते हैं, एनायन को बाद में लिखते हैं। तो यहां से हमको पता चल गया कैटायन कौन है। ओके, ध्यान से देखो, हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, तुम्हारे पास एनायन अपॉन कैटायन का रेशियो। एनायन कहां पर है, देखो, अब देखो एनायन दो तरह के एनायन से हमारे पास, एनायन दो तरह के, नेगेटिव वाले जो है वो दो तरह के हैं, एक तो आई माइनस है और एक एफ माइनस है, राइट। तो ध्यान से देखो, एफ माइनस का साइज छोटा होगा कि आई माइनस का? हमको एनायन क्या चाहिए, मिनिमम सबसे छोटा चाहिए और कैटायन सबसे बड़ा। इन दोनों एनायंस में सबसे छोटा एनायन कौन है भैया, एफ सी एल बी आर आई, ये तीनों तो, ये सब क्या है, एक ही ग्रुप के हैं। नीचे की तरफ जाएंगे साइज बढ़ेगा, मतलब छोटा एनायन कौन है, एफ। तो तुम्हारा एफ माइनस तो छोटा एनायन है, तो ये वाला जो जो यहाँ पर आयोडीन है वो तो ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गया। समझे क्या, कैसे दिमाग लगाना है, सोचना है। फिर हमको कैटायंस में देखना है, कैटायन सबसे बड़ा, कैटायन, अब देखो यहां पर कैटायन कौन कौन है, लिथियम सोडियम और सीजियम। कैटायन कौन कौन है, लिथियम सोडियम और सीजियम, यही है आपके कैटायंस। ओके, लिथियम एल आई प्लस, एन ए प्लस एंड सी एस प्लस, ये कैटायंस है। तीनों क्या है, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ग्रुप के। नीचे की तरफ जाएंगे साइज बढ़ेगा, हमको क्या चाहिए, कैटायन सबसे बड़ा चाहिए ताकि ये रेशियो मिनिमम आए। तभी तो ये रेशियो मिनिमम कब आएगा, जब डिनोमिनेटर बड़ा से बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटे से छोटा हो। न्यूमरेटर हमने देख लिया, सबसे छोटा एनायन चाहिए वो है एफ माइनस, और सबसे बड़ा कैटायन चाहिए। अब सबसे बड़ा कैटायन कौन है, सीजियम। तो सबसे बड़ा कैटायन सीजियम और सबसे बड़ा एनायन, ऐसा कौन से कंपाउंड में है, सी एस एफ। तो वही तुम्हारा आंसर क्या है, करेक्ट। सबको चमका, कैसे चेक करना है, कैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनेगी, पक्का। चलिए एक और क्वेश्चन करूंगा, एक लास्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए, एक काम करो, सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में अरेंज करो। स्क्रीन पोज हुई है, नहीं बेटा, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में अरेंज करो। ओके, मोस्ट ऑफ यू हैव रिटन करेक्ट आई थिंक। प्रणव नहीं, अमय, अमय आपने बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, आपने जो किया डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया है। ये ऑर्डर ध्यान में रखना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। देखो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि तीन ये जो एलिमेंट है, सोडियम, फिर पोटेशियम और रुबिडियम, ये तीनों क्या है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है। अभी देखो, फिर मैग्नीशियम क्या है आपका, ये आपके ऐसे अलग ग्रुप का है। ये दो एलिमेंट्स आपके सेम पीरियड के हैं, फिर ये आपके एक ग्रुप के हैं। तो ये तो मैंने ऑर्डर लिखवाया भी था भैया, सबसे ज्यादा बड़ी साइज किसकी होगी, रुबिडियम की, फिर पोटेशियम की। पोटेशियम के बाद आप सोडियम और मैग्नीशियम के अंदर, भैया लेफ्ट से राइट जाते हैं, साइज डिक्रीज करता है, तो सोडियम का।
तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर है, सबसे ज्यादा रुबिडियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम। ओके बोलो, तो सब लोग कर सकते हैं। तो आई होप अब आप एटॉमिक रेडियस के क्वेश्चंस जो होंगे उनको आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अगली क्लास में हम 4-5 क्वेश्चन और कर लेंगे एटॉमिक रेडियस के ऊपर। फिर आप लोगों को, तो हाँ सुनो, अब मंडे को आप जब क्लास में आओगे उससे पहले DPP-4 कंप्लीट करके आना, ठीक। और साथ में जो NCERT है, NCERT, उसमें अप टू एटॉमिक रेडियस कंप्लीट रीडिंग करके आओगे, नोट्स याद करोगे, और अब NCERT से अप टू एटॉमिक रेडियस, बेटा NCERT नहीं मिला है, NCERT आपके पास ऑलरेडी डाला हुआ है, आप दिया हुआ है। ये कितने बार बोलेंगे बच्चे थोड़ी बहुत, ठीक। चलिए क्लास आज का यहीं पर एंड करते हैं, ओके बाय। हेलो सर, सर हाँ एक बार एस ब्लॉक का साइज वेरिएशन बताओ ना। नोट्स लिखा है, नोट्स में देखो ना, जैसे सर देखो नोट्स बेरिल, लिखे थे वो कल का लेक्चर देखा तो जरा आगे पीछे हो गए थे स्लाइड। तो एक बार लिथियम, बताओ जैसे ना। हाँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, ये होता है। बेरिलियम के बाद क्या होता है? मैग्नीशियम। फिर आपके पास आता है कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम। देखो बेरिलियम के बाद साइज किसका बड़ा? लिथियम का। फिर लिथियम के बाद मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम के बाद सोडियम का, सोडियम के बाद कैल्शियम का, कैल्शियम के बाद स्ट्रॉन्शियम का होता है, स्ट्रॉन्शियम के बाद आपका पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम के अंदर एबनॉर्मल इंक्रीज इन साइज देखने को मिलता है। देन आपका रुबिडियम, फिर आपके पास देखोगे बेरियम, और फिर लास्ट में सीजियम। ओके ओके डन। तो अगली क्लास में सब लोग डीपीपी करके आना, और एनसीईआरटी जितना मैंने बोला है अप टू एटॉमिक रेडियस कंप्लीट रीडिंग करके आना, और नोट्स भी याद करना। ओके चलिए बाय।